हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आई एनिग्मा हिंदी चैनल। आज मैं करूंगी आप लोगों के लिए एरीज। देखते हैं मैसेजेस क्या आप लोगों के लिए नवंबर एंड ऑफ दिस मंथ क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सो इसको एज यूजुअल जनरली लीजिएगा, और ज़्यादा पर्सनल एक्यूरेसी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वन ऑन वन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ईमेल पे, और वाइट स्पेल जस्ट प्रेयर्स के लिए अभी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने चार्ज किए हुए हैं, अब वो भी मुझसे खरीद सकते हो। डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम की नीचे दिखाई दे रही होंगी, इन विच यू विल बी एबल टू सी फ्री मंथली हॉरोस्कोप्स, नवंबर हॉरोस्कोप्स फॉर फ्री एंड अदर फीडबैक्स माई क्लाइंट्स, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मेरा मेन चैनल भी है विच इज आई एनिग्मा, वहाँ पर भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरे सेकेंड चैनल, थर्ड चैनल, एक्चुअली ये सेकेंड चैनल है, इस पर भी सब्सक्राइब करें और थर्ड चैनल पर भी सब्सक्राइब करें, जो कि सिर्फ स्कॉर्पियो पर बेस्ड है। अगर आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस स्कॉर्पियो है तो आप स्कॉर्पियो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ देखते हैं एरीज, सन, मून, राइजिंग और वीनस साइंस। आप सन के थ्रू पहले देखिए और उसके बाद वीनस, फिर राइजिंग, फिर मून। लेट्स सी एरीज, सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स जो आपके माइंड में है, उनकी क्या है आपके लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, और आउटकम क्या रहेगा, और क्या क्लैरिटी चाहिए हमें इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, एडवाइस, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं एरीज, अभी उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। द सन, सो पहला कार्ड तो बहुत ही अच्छा है, all right, one more please, the judgment, all right, just let's keep it right like this. अब हम देखते हैं, okay, सबसे पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग देखते हैं। आप डील कर रहे हो एरी, सैजिटेरियस या लियो के साथ, स्पेशली लियो, उनके साइन बहुत, लियो बहुत स्ट्रांग होगा उनके चार्ट्स में। यहाँ भी क्या है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड ज़रूर हैं आपको लेकर, लेकिन उनके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, उनके पास ऑप्शंस हैं। अभी हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं, बट आपके पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो आप में है, वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं और डीपली, और आप उनकी एक तरह से खुशी हो। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ आई फील लाइक कि आप अपने पर्सन को स्पेस देते हो, ठीक है, उनको अपने तरीके से चलने के लिए अलाउ करते हो। आप उनको सारा टाइम कंफ्यूज या फिर सारा टाइम फोर्स नहीं करते कि मुझसे बात करो या मुझे चूज़ करो, बट आपके पर्सन अभी करंटली कंफ्यूज है क्योंकि उनके पास दो पर्सन है, एक हो आप और एक है आपके पर्सन के कोई पास्ट लवर हो सकते हैं जिनसे वो शायद पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। लेट अस सी, आई फील लाइक कि आपके पर्सन अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहे वो इसलिए है क्योंकि वो अभी यू नो अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपना कनेक्शन आपके साथ क्या है, और उनको किसी को छोड़ने की ज़रूरत है तो किस तरह से वो किसी को नो बोलें। सो इस तरह से वो पर्सन यू नो डिसाइड करें आपकी तरफ आने से पहले, आपको प्रपोज करने से पहले, या फिर आपके साथ कंसिस्टेंट होने से पहले ये पर्सन जो इनकी लाइफ में ऑप्शन है उनको ये टाटा बाय बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, और प्लान करें कि किस तरह करें। तो काफ़ी कंफ्यूजन है उनको, काफ़ी अकेले फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए उनको, ठीक है। सो या डिसीजन मेकिंग मोड, यहाँ पे फिर से क्लैरिफायर हमारे पास आया है सन। आई फील लाइक कि ये पर्सन आफ्टर लाइक थोड़े टाइम के बाद, इनको अभी अपने में रहने दो, इनको छोड़ दो, क्योंकि अभी काफ़ी एंग्जाइटी इनको हो रही है, आपको लूज करने की एंग्जाइटी हो रही है, या फिर इनको समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से किसी को मना करें या फिर किस तरह से आगे बढ़ें रिलेशनशिप में। तो इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, इनको बिल्कुल कॉल, मैसेज कुछ मत करना अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे, गिव दम स्पेस, क्योंकि यहाँ पे ये डिसीजन लेने वाले बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपको कहेंगे कि आप ही इनके सब कुछ हो और आपके साथ एक रिलेशनशिप, एक सॉलिड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये करना चाहते हैं। सो इस तरह से ये आपको बताएंगे, हो सकता है ये कैंसर हो, बट डेफिनेटली इनकी फीलिंग क्या है, हाँ। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि इनकी फैमिली इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, या फिर इनकी फैमिली किसी टाइप में किसी तरीके से इंटरफेयर कर रही है इनकी फीलिंग्स में, जिसकी वजह से ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन की फैमिली के साथ आपके पर्सन का कनेक्शन अच्छा नहीं है,
ठीक है, तो वो चीज़ वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब से ये पर्सन आपसे दूर रहने लगे हैं या फिर आपने इनको तंग करना या फिर आपने इनसे एक्सपेक्टेशन रखनी छोड़ दी है, तब से इन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, यही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है, ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है। तो एरीज, मुझे लगता है कि अगर आप इनको स्पेस दोगे, टाइम दोगे, तो जो भी इनकी फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और सेकेंडली वो आपके पास ही आएंगे, उनको रियलाइज़ होगा कि यू आर द वन फॉर देम, ठीक है। इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज और डिस्टर्ब हो सकते हैं, अनस्टेबल लाइफ चल रही है इनकी, लेकिन आप इनकी हैप्पीनेस हो, ये बात इनको पता है कि अल्टीमेटली उनको खुशी कहाँ मिलती है, आपके साथ। एरीज, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या हैं? द एम्परर, द एट ऑफ सॉर्ड्स, द हायरोफांट, द जस्टिस, द फोर ऑफ वंड्स, ओ माय गॉश, द पेज ऑफ कप्स। आप वेट कर रहे हो इनके मैसेज की, आप सोचते हो कि ये पर्सन किसी तरीके से आपको रीच आउट करे। आपको शायद ये बात पता है कि इनके फादर अलाउ नहीं कर रहे इस कनेक्शन को बनने के लिए, या फिर आपके फादर नहीं मान रहे। कोई यहाँ पे डेफिनेटली फैमिली मेंबर इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी के फादर यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते। आई थिंक इट्स योर फादर, आई फील फॉर सम ऑफ यू, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप ट्रैप्ड हो, और इस वजह से आपके पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। बट आप क्या चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए किसी हद तक लड़ने को तैयार है कि नहीं, इसीलिए आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप इनको फ़ोन नहीं कर रहे, आप इनको कोई तंग नहीं कर रहे, ताकि आप ये देख सको कि ये पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं। एंड आपको ये जान के यू नो खुशी होगी कि आपके पर्सन भी आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं, ऐसा इन द सेंस कि फीलिंग्स हैं उनको आपके लिए, ठीक है, लेकिन वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो मुझे ज़रूर डेफिनेटली लग रहा है कि उनके फादर आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आ रहे हैं, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए लड़े, ठीक है। आप क्या चाह रहे हो कि किसी तरीके से ये पर्सन आपको मैसेज करे, आपको गुड न्यूज़ दे, और आप दोनों एक बार रिलेशनशिप में आ जाएं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, आपके चाहने से कुछ नहीं होता, आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए तो नहीं आए, आगे बढ़ते हैं, कोई और आ जाएगा, ठीक है। सो अपने आप को तो हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कहीं पे रुकना नहीं है। सो जो ये एनर्जी आपकी नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये एंग्जाइटी जो हो रही है या फिर आपको ट्रैप वाली जो फीलिंग आ रही है, उससे बाहर निकलो, और जितना हो सके अपना ध्यान अपने क्राफ्ट में, अपने आर्ट में, अपने वर्क पे लगाएं, और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे, क्योंकि अभी करंटली आप ना हील नहीं फील कर रहे हो, डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हो मेंटली, या फिर कुछ लोग तो खुश हैं बट यहाँ पे है कुछ स्ट्रेस है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही। आपका इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, आप इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हो, एक कनेक्शन ऐसा है ये जहाँ पे आपको फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इनके लिए और किसी और के लिए नहीं है। तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अगर आप किसी और के बारे में सोचो इस पर्सन के अलावा। तो आप चाहते हो कि या तो ये पर्सन और आप इंगेज हो जाएं, मैरिज हो जाए, लेकिन इनके फादर नहीं मान रहे, ठीक है। सो कहीं पे आप ये जल्दी जल्दी चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी रिलेशन हो, जल्दी जल्दी इंगेजमेंट हो जाए, जल्दी जल्दी हमारा मैरिज हो जाए किसी तरीके से, तो ये आपके माइंड में ज़रूर चल रहा है कि होना चाहिए। तो ये आपकी फीलिंग्स है बहुत स्ट्रांग। अब हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच का आउटकम क्या लग रहा है यहाँ पे। एरीज, व्हाट इज द आउटकम? देखिए, चीज़ें यहाँ पे जल्दबाजी में ना ली जाएं तो बेटर है, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या फिर आप काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, जिनको उनको निकलने की ज़रूरत है, जिनसे काफ़ी स्लो मूवमेंट रहेगी, काफ़ी पेशेंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे, क्योंकि इनके रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ आते आते, इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल सकता है, लेकिन अगर आप फेथ रखो इस कनेक्शन में और इस पर्सन पे ट्रस्ट रखो और इनकी बात को मानो, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में फ्यूचर है, ठीक है एरीज। बट फेस करोगे चैलेंजेस, आपके पर्सन भी फेस कर रहे हैं, आप भी। एक्वेरियस हो सकते हैं, लेट्स सी द आउटकम। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ,
हिम्मत रखने से ही ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। मुझे डेफिनेटली डिफ़िकल्ट ज़रूर लग रहा है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली 6 मंथ्स के अंदर एक फाइनल प्रपोजल लेकर आएंगे, लेकिन आप अगर पेशेंस रखोगे तब, झगड़ा करने के बजाय अगर आप इनको ट्रस्ट करोगे जो ये बोल रहे हैं आपको, उसी से ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है या तो लिब्रा हो सकता है, बट जो आप चाह रहे हो इनके साथ ये वो लेकर, प्रपोजल लेकर आएंगे, लेकिन काफ़ी कुछ फेस करने के बाद। सो आपको छोड़ना नहीं चाहते, इनके माइंड में आप हो 24 घंटे हो, लेकिन इनके लाइफ में और भी सारे फैक्टर्स हैं जिनको उनको रिस्पॉन्सिबली फेस करना पड़ रहा है। सो प्रपोजल आएगा आपको फाइनली मैरिज का, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपसे। एरीज प्लीज, आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। दिस इज़ वेरी डिफरेंट, ये बहुत डिफरेंट बता रहा है मैसेज। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है करेंटली आपको अवॉइड कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। मुझे ये अब फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से ना सिचुएशन एक्सेप्ट करने लग गए कि चलो ठीक है, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, हमारा सेपरेशन ही ठीक है, और अभी अपने काम पे फोकस कर रहे हैं ताकि आपको भूल सकें, ठीक है। उनको पता है उनकी गलती है, लेकिन उन्होंने आपके साथ झगड़ा करके आपको अपने से अलग कर लिया। बट ये पर्सन जो है बहुत ही जल्द अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालेंगे, लाइक अंदर दबी हुई जो सप्रेस्ड फीलिंग है वो बाहर आएगी, और ये आपको ज़रूर बताएंगे और ख़ुद भी रियलाइज़ करेंगे कि ये आपके लिए जो सोचते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत जल्द ये आपको ये बात एक्सप्रेस करेंगे, और आपको ये बात पहले से पता है। हु इज़ दिस पर्सन? अनएक्सपेक्टेड इनकम, कोर्ट हाउस, हाउस। तो यहाँ पे किसी के केस में ना लॉ रिलेटेड सिचुएशन, आई फील लाइक ये आपके पर्सन के फैमिली में कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोर्ट रिलेटेड हो सकती हैं, मनी रिलेटेड हो सकती हैं, घर का बंटवारा या कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा होगा आपके पर्सन के घर में, जहाँ पे अभी करंटली आपके पर्सन को टाइम चाहिए, जहाँ पे वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाह रहे, उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसीलिए अगर आप उनको स्पेस दे दें तो आपके लिए और इनके लिए एक नया तरीके से कनेक्शन फॉर्म करना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। करंटली मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा अगर आप इनसे बात करेंगे। अगर आप अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखोगे और रिलैक्स रखोगे और आगे बढ़ने के बारे में, वॉक अवे करने के बारे में सोचोगे, तो ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। लेकिन अभी उनको रियलाइजेशन ये नहीं हुई है, बहुत जल्द उनको रियलाइजेशन होगी जब इनके माइंड से कन्फ्यूजन, डाउट, डिसीजन, मतलब जब इनके माइंड से कन्फ्यूजन निकल जाएगा और डिसीजन ले लेंगे, तब इनको ये डिसीजन होगा कि इनको आप चाहिए। बट उसके लिए, उससे पहले आपको इनको छोड़ना ही पड़ेगा। हो सकता है ये स्कॉर्पियो हो, बट आपको इनको छोड़ना पड़ेगा और नो बोलना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू करेंगे और आपके पास वापस आएंगे, ये रियलाइज़ करके कि मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ को खो दिया, ठीक है। सो दैट इज़ योर रीडिंग एरीज, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो, फॉलो माई इंस्टाग्राम, आई सी यू अगेन, बाय।